हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को लेके जा रही हूँ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। चलिए अंदर चलते। ये है सुबह का व्यू, देख सकते हैं 5-6 बजे जो सुबह के है ना, उस समय हम लोग निकले थे और उस समय पूरा अंधेरा था और अब पहुँच चुके हैं हम लोग अपना टाइगर रिजर्व में। और यहाँ देख सकते हैं सुबह सुबह वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं वो आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इंडियन बाइसन जिसको गौर भी बोलते हैं वो यहाँ पे था, तो काफ़ी बड़ा ह्यूज एनिमल है ये। उसके बाद हमने और भी जो जंगल है उसको एक्सप्लोर किया। काफ़ी खूबसूरत है सतपुड़ा की जंगल, पर ये एक तरफ से घाटी है और एक तरफ से पहाड़ है, तो बहुत ज़्यादा एनिमल जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे अगर आप यहाँ आते हो तो। हम फर्स्ट टाइम गए थे तो एक बार एक्सप्लोर करना बनता था, इसलिए हम लोग गए थे। अच्छा है, पर आप लोग यहाँ पर टाइगर मोस्टली नहीं देखने को मिलेगा। और फिर हमने वहाँ पे जो लास्ट छोर है वहाँ तक गए थे, दो चार हम लोगों को एनिमल्स देखने को मिले। बट आप प्रेफर कीजिए कि आप या तो बांधवगढ़ जाएं, पेंच जाएं, या तो फिर कान्हा जाएं। तो ये नीम घान करके एक जगह है, यहाँ तक लास्ट जो है ये गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ की, तो वहाँ तक हम लोग गए। थोड़ा यहाँ झूला वगैरह, चाय वगैरह का व्यवस्था था वहाँ पे। हमने वॉशरूम वगैरह जो भी है आप यूज़ करना चाहो सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। फिर हम वापसी में ये देखिए सांभर देखा हमने, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था ये प्यारे प्यारे से जो सांभर थे। सतपुड़ा के जंगलों को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल गए बाहर और उसके बाद हम निकले बी फॉल के लिए। तो चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को। वेलकम बैक टू सेकेंड डे ऑफ आवर पंचमढ़ी ट्रिप। तो चलिए लेके चलते हैं आज का पहला डेस्टिनेशन जो कि है बी फॉल। तो उसके लिए हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पार्किंग में गाड़ी रख दी है, पीछे देख सकते हैं पार्किंग एरिया। आगे चलते हैं, किसका कितना रेट है वो आपको बताते हैं। ये देखिए पार्किंग स्थल, यहाँ टाइमिंग सुबह 9 से दोपहर के 3:30 बजे तक है। मैक्सिमम 5 बजे तक आप यहाँ रुक सकते हैं, उसके बाद वापस आना है। और ये देख सकते हैं जिप्सी से लोग आ रहे जा रहे हैं, तो ऐसा सुविधा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए अंदर चलते हैं और आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे ही लास्ट जो है वो जिप्सी रुकती है, इसके बाद पैदल ही जाना है। यहाँ से बहुत सारी आपको जिप्सी खड़ी दिखेगी, सब पैदल जा रहे हैं तो हम लोग भी पैदल आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं बी फॉल, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है और ये फॉल बहुत ही प्यारा है। एकदम ठंडे ठंडे पानी में आप एंजॉय कर सकते हो, पिकनिक स्पॉट काइंड ऑफ है यहाँ पे। और देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हुए थे क्योंकि वीकेंड था, तो काफ़ी रश था, काफ़ी ज़्यादा रश था। और ये यहाँ पे आप बैठ के थोड़ा देर चिल कर सकते हो। तो हमने भी कुछ देर एंजॉय करने के बाद वापस से घर के तरफ निकल चुके हैं और ये देखिए पहुंच गए हम लोग अपने डेस्टिनेशन जो कि रिसॉर्ट एरिया है, काफ़ी खूबसूरत है। तो हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया पचमढ़ी समय के अभाव के कारण, बाकी रिसॉर्ट जो है वो पूरा एक्सप्लोर किया था बहुत अच्छा, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका है। नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। तो अभी लंच का टाइम हो चुका है और लंच यहाँ पे आपको पे करके खाना पड़ता है। तो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया जहाँ पर हम लोग बैठे हैं और ये है यहाँ का मेन्यू कार्ड। तो हमने यहाँ पर बोथ वेज एंड नॉन वेज के ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो दोनों हमने एक एक जो है ऑर्डर किया था। तो क्या क्या आया है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये तो रेस्टोरेंट एरिया है जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हमने मंगाया यहाँ पे मसाला पापड़ और उसके बाद कुछ आलू के पराठे जो मुझे खाने थे, और यहाँ है चिकन और रोटी जो हस्बैंड ने अपने लिए मंगाया था। तो खाना काफ़ी अच्छा है, उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।